स्कूल वहां वहां से लेके पूरे मैदान में सब लोग बैठे हुए माताएं बहने सब बुजुर्ग भाई सब लोगों को हम सबका राम राम और आपको देख के बहुत ही खुशी मैं ये कहने आई हूँ आज आप लोगों ने यहाँ तो कमाल ही कर दिया है मैं तो सोच रही थी कि कुछ लोग मिलेंगे पर ये आप कुछ लोग तो क्या आप लोगों ने तो ये पूरा पंडाल और याद रखना कि चौटन में हमने पहले भी इसी मैदान में आप ही थे शायद हम लोगों ने यहाँ भाषण दिया है आज आप लोगों ने कमाल ही कर दिया यहाँ से लेके वहां तक यहाँ तो ऐसा समुंदर लग रहा है शकल ही शकल और वहां से लेके वहां तक आप लोग आए हो आपकी इस ऊर्जा ये ऊर्जा को लेने ही हम लोग यहाँ आए आपको छू के इस ऊर्जा को पाके फिर ताकत लेके क्षेत्र के अंदर जाके और आप लोगों के लिए दौड़ धूप करके काम करने का पूरी तरह से संकल्पित होके हम लोग सब जा रहे हैं मैं धन्यवाद दूंगी आपको आभार दूंगी आप लोग सबको कि आप लोगों ने आज के हमारे यहाँ इतना प्यार से स्वागत किया है और इतनी सारी संख्या में किया है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज मंच पर हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी मलिक और आदरणीय सचिव भूपेंद्र जी यादव पूर्व मंत्री हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल सांसद अर्जुन जी मेघवाल प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी लाखावत पूर्व मंत्री जनार्दन जी और रतनलाल जी जाट विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी पूर्व विधायक जालन सिंह जी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक लावटी जी मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हिदायत खान जी और जिला अध्यक्ष हमारे पर्वत सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष भी आदुराम जी और पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी पालीवाल ताज मोहम्मद जी और हमारे एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष तरुण राय कागा जी और इधर उपस्थित सब लोग और अगर मंच में कोई छूट गया है तो सबको सब लोगों को कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और हमारे पूरा परिवार जो यहाँ जन सैलाब बैठा हुआ है उन सब का मैं आदर करते हुए आज सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके हम सबके हौसला अफजाई की सबको धन्यवाद यहाँ आज चौटन की इस दिन की आखिरी मीटिंग है और मैं आप लोगों के बीच में ये कहने आई हूँ कि ये बाड़मेर जिला तो आजकल अखबारों में बड़ा छाया हुआ है आप चाहे जयपुर में बैठे हो चाहे उदयपुर में बैठे हो बाड़मेर का नाम कभी ना कभी दिन में एक दफा अखबार में पढ़ने को मिल ही जाता है परंतु काय के लिए पढ़ने को मिला जाता है इसके बारे में सोचना चाहिए आजकल इसकी वजह से हमारा स्वाभिमान नहीं बढ़ता हमारी इज्जत नहीं बढ़ती बाड़मेर के जो स्वाभिमान और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मैं समझती हूँ कि जिस क्षेत्र के अंदर अथा एक किस्म से ताकत है जो राजस्थान को आगे ले जा सकती है एक ऐसे जिले के साथ जोरदार खिलवाड़ हो रहा है उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसीलिए मैं समझती हूँ कि मुझे तो बड़ा दुख है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ अखबार में तो आग लगती है ये सोच के आग लगती है कि इस बाड़मेर जिला ऐसा जिला है जो राजस्थान को विकास का राह दिखा सकता है परंतु आज उसकी इतनी जोरदार उपेक्षा हो रही आज करीबन 12 करोड़ रुपया रोज करीबन 4200 करोड़ रुपया सालाना राजस्थान को देने वाले बाड़मेर की कैसी उपेक्षा हो रही है उसको देख के दुखी होती हूँ आज यही समझो दिया तले अंधेरा कितना कुछ हो सकता था आप ये समझो कि अगर 10-12 करोड़ रुपए दिन के आपके मिल रहे हैं दिन के महीने के नहीं करीबन 300-350 करोड़ रुपए महीने के और साल के करीबन 4200 करोड़ अगर एक महीने के पैसे भी इस बाड़मेर जिले के अंदर लग जाते तो बाड़मेर कहां से कहां पहुंच जाता भाइयों बताओ मुझे आज पानी की कितनी जोरदार किल्लत है कि नहीं कितनी जोरदार किल्लत है मेरे को कितने सारे लोगों ने कहा कि 388 गांव चौटन के हैं जिनको नर्मदा नहर के साथ जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू किया था उनको कर दिया था और मैं मानती हूँ कि आज दिन तक अगर सरकार ने उस पे लगाकर काम किया होता तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर या बहुत सारे गांव करीबन 400 गांव के अंदर पानी आ जाता और कितने लोगों को उसका फायदा मिल जाता ये भी गिनती करने
मैंने कहा तो हम आपके बार बार तो चमन कर सकते हैं, उसमें मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने ये समझा है कि कांग्रेस के नेताओं के मिली भगत की वजह से जमीनों का जोरदार गोरख धंधा हो रहा है, और इस गोरख धंधे की वजह से हमारा ये क्षेत्र, हमारा ये जिला आगे नहीं बढ़ पा रहा। कितना कुछ पढ़ने को मिला, आज इतनी बड़ी रिफाइनरी आ रही, और रिफाइनरी आके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने ये कहा कि पूरे जिले को उसका फायदा मिलेगा। परंतु देखने को क्या हुआ, इधर देखा तो एक जगह पे तय कर दिया गया कि यहाँ अपन रिफाइनरी लगाएंगे, यहाँ रिफाइनरी लगाने के लिए धारा 4 हो गया, धारा 6 हो गए, मंत्री आया दिल्ली से कि भैया मैं फीता काटूंगा, उसके 4 महीने पहले ही जमीन का धंधा चालू हो गया था। कौन से मंत्री सब आके वहां की जमीन खरीद रहे थे, किन लोगों ने जमीन सस्ती खरीदी और महंगी बेची, किन मंत्रियों ने अभी भी जमीन रखी हुई है, और सब लोगों ने उस जमीन का धंधा करना शुरू कर दिया। ऐसा पक्का हो गया था कि यहाँ ये रिफाइनरी लगेगी। एकदम मालूम नहीं क्या हुआ, उठ के पचपदरा चली गई। पचपदरा के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जमीन सरकारी है, अगर ये बात होती तो पहले ही वहां जाते। परंतु उसके यहाँ आने से 6 महीने पहले धंधा जमीन का वहां भी चालू हो गया। ऐसे लोगों ने के नाम से धंधा हुआ जिनको बेचारों को नाम तक नहीं मालूम था कि हमारा नाम इसमें इस्तेमाल हो रहा है। कितने सारे एससी के लोग थे जिनके नाम पे ये हुआ, कितने सारे गरीब लोग थे जिनके नाम पे ये हुआ, पर किसी को मालूम नहीं था कि हमारे नाम पे ये धंधा हो रहा है। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा बनाया वो 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 10-20 हजार करोड़। इतने पैसे बनाए इस धंधे के अंदर, इस जमीन के धंधे के अंदर, और ये धंधा अभी रुका नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो सरकार इस तरीके से गरीबों के साथ खिलवाड़ करती है, जो इस तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होती है, और जो इस तरीके से जमीन बेच बेच के धंधा करती है, उसको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है क्या भाइयों? बिल्कुल नहीं है। और मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक और सौदा, ये वो सौदा है, जमीन मेरी, तेल भी मेरा, पैसा भी मेरा, क्योंकि ये पहला स्टेट है, पहला प्रदेश है जहां रिफाइनरी लग रही है। उस रिफाइनरी के अंदर हर साल 4000 करोड़ हमारी सरकार देगी, और बिना ब्याज का देगी, तो 60,000 करोड़ हम उसमें दे रहे हैं, हमारी जमीन, हमारा पैसा, हमारा तेल, और वो जो पूरा धंधा है वो किसी और के हाथ में, उसमें सिर्फ 25% हमारा। अब मुझे बताओ, जब इतना सब कुछ कर दिया है तो ये तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए था, और 25% उनको देना चाहिए था, तब तो मैं मानती कि राजस्थान के भले के लिए और राजस्थान के हित के लिए आप लोगों ने कुछ किया, परंतु नहीं किया। और भाइयों करने भी वाले नहीं है, इतनी बड़ी रिफाइनरी आ रही है, तो पहले 9,000 बीघा जमीन, उसके बाद 10,000 बीघा जमीन, उसके बाद 11,000 बीघा जमीन, और अब मैं सुनती हूँ कि 12,000 बीघा जमीन उस फैक्ट्री को दी जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि बठिंडा के अंदर, बड़ोड़ा के अंदर, जहां भी आपकी रिफाइनरी लगी है, उन रिफाइनरियों के अंदर पैसा प्रदेश का किसी का नहीं लगा है, लगा है पैसा तो दिल्ली की सरकार का। मैं पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान की रिफाइनरी के साथ खिलवाड़ क्यों, क्यों नहीं इस सरकार ने पैसा लगाया है, क्यों राजस्थान की सरकार को उसमें पैसा लगाना पड़ रहा है? और मैं पूछना चाहती हूँ कि इस धंधे के बारे में हम सब क्या करने वाले हैं, क्या राजस्थान के इस बाड़मेर जिले को ताक में रख के हम इन लोगों के जेब भर के इनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे क्या, ये काम? हाँ मैं सोच रही थी, तो इसलिए जनरेटर लगाया काम है, क्या करें, सरकार के साथ ऐसे ही जूझना पड़ता है। बहुत ठीक है, वो सब जानते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए पूछ रही, और मैं खाली बाड़मेर को ताक के ऊपर रख के ये अपने जेब भर रहे हैं, अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, और अपना पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अखबार में पढ़ते हैं। पर यही नहीं है, ये जमीन का धंधा तो आपके बीकानेर, आपके बाड़मेर और आपके जैसलमेर, सब तीनों में जो हो रहा है, वहां तो आप सब जानते हो कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम, रॉबर्ट वाड्रा ने आके यहाँ 10,000 बीघा से ज्यादा जमीन लेके सस्ती खरीदी और महंगी बेच के पूरा पैसा इकट्ठा लेकर वापस दिल्ली चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके बारे में मुख्यमंत्री जानते नहीं थे? हमने इन लोगों से पूछवाया,
तो अखबार में लिखते हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे कि रॉबर्ट वाड्रा है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा इतना छोटा आदमी है, सब जानते हैं कि वो इस देश का दामाद है, इतना बड़ा आदमी है, वो देश का दामाद अपने क्षेत्र के अंदर आए और मुख्यमंत्री का ना जानकारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली रखने वाले लोग पहले अपने गरिमान में झांक के देखें। याद है आप लोगों को हम लोगों के बारे में कितना हल्ला मचाया, आयोग बिठाया कि हम तो इनकी जानकारी लेंगे, उनको पता करने की कोशिश की, पर फाइलें खंगाली, परंतु एक दाग नहीं मिला। और आज भी कितना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके बारे में तो अपने पास सब कुछ है, या छोटे से छोटा जनता का व्यक्ति जानता है कि इन्होंने क्या किया है और पैसा कैसे जमा किया है। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जोरदार महंगाई, ये सब लोग मेरे को जो मिले हैं, अरे इस महंगाई को रोको, किसी तरीके से रोको। आज मालूम नहीं आप लोगों ने अखबार के अंदर पढ़ा कि नहीं, हमारे मंत्री दो आए थे जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर हमारे दोनों मंत्री ने बैठ के प्रेस में ये बोला, अरे गरीब लोग ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए महंगाई हो गई। आजकल बेचारे ये गरीब लोग दूध खाने लगे, अंडा खाने लगे, फल खाने लगे, इसलिए महंगाई बढ़ गई। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां तो खा रहे हैं सरकार, जेब में रख रही है सरकार, और गरीब के ऊपर आप उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब खा रहे हैं इसलिए महंगाई, और वो लोग जो अपने जेब भर रहे हैं उनकी वजह से क्या? आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आज डीजल के दाम बढ़ गए, आज डीएपी के दाम बढ़ गए, यूरिया के दाम बढ़ गए, खाद और बीज सही तरीके से आपको नहीं मिल रहा, न आपको पानी मिलता है, न आपको किसी भी तरीके से बिजली मिलती है, किसान किस तरीके से खड़ा होगा? आप ये जानते हो कि महाराष्ट्र के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये सब होने के बावजूद भी जानवर थे, हमारे राजस्थान के लोग अपने जानवर को पालते थे और उन जानवरों के ऊपर अपना जीवन ही निकालते थे। अब आजकल जानवरों के साथ भी मुसीबत हो गई है। मैं पूरे राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर देख रही हूँ, कोई डॉक्टर ही नहीं है, उस पशु को संभालने वाला कोई डॉक्टर ही नहीं है, जगह जगह जाओ तो कोई चिकित्सालय नहीं है, और सरकार ने कह दिया दिल्ली जयपुर के अंदर, अरे चिंता नहीं करो, हम तो जानवर पे भी मुफ्त जांच कराएंगे, हम जानवर को भी मुफ्त दवाई दिलाएंगे। अरे डॉक्टर नहीं है तो कौन जांच करेगा, और वो बेचारा बेजुबान पशु क्या बोलेगा? यहाँ तो हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। डॉक्टर नहीं है आपके अस्पताल में, विशेषज्ञ नहीं है आपके अस्पताल में, आपके यहाँ एक्सरे की मशीन नहीं चलती, कोई भी दूसरी मशीन है वो नहीं चल रही है, और वहां कहा जा रहा है कि हमने सब लोगों की जांच करवा ली। अरे छोटे से छोटे लोगों की हम जांच करवा रहे हैं, उनको सस्ती दवाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ कोई बैठा है जिसकी सस्ती दवाई मिली, या जिसको जांच मिली, जिसकी जांच हुई, हुई क्या किसी की? नहीं है किसी की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी को एक रुपए किलो, किसी को एक रुपए किलो गेहूं मिला? कोई है बीपीएल परिवार का जिसको मिला? कोई है बीपीएल परिवार का जिसको 50,000-55,000 रुपए कोठरी कमरा बनाने के लिए मिला, बिना रिश्वत के मिला क्या? किसी को नहीं मिला। अरे ऊपर जयपुर के अंदर तो लिखा पड़ी बहुत हो रही है। मैं यहाँ किसानों से पूछना चाहती हूँ, है कोई जिसके यहाँ पाला पड़ा, जिसके यहाँ ओला पड़ी, जिसको आज तक मुआवजा मिला है? है कोई किसान? जयपुर के अंदर कोई पढ़ रहा है अखबार तो उसमें लिखा है कि आपके जो बिजली के दाम है उसको हमने कम कर दिए, और साथ साथ में हमने लोगों को पैसे का एक जोरदार पैकेज दिया, और गरीब किसानों को पूरे राजस्थान के अंदर मुआवजा देने का काम किया। और यह आप लोग सब हाथ ऊपर उठा उठा के मेरे को कह रहे हैं कि आपको किसी को मुआवजा नहीं मिला। कोई है किसान जिसको 1,50,000 का जो ये सहकारी बिना ब्याज का ऋण किसी को मिला? तो क्या हो रहा है 4.5 साल में, क्या हुआ, क्या काम हुआ? आपका क्षेत्र तो बिना पानी, बिना बिजली, बिना सड़क, बिना डॉक्टर, बिना टीचर, और अब बिना रोजगार पड़ा हुआ है। मैं रोजगार का पता करती हूँ तो सब लड़के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, अरे कॉलेज नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम जाके पढ़ के जाएंगे कहाँ, और हमको नौकरी देगा कौन? किसी किसी ने मेरे को कहा ये टेट का पढ़ाई
नहीं आपने टेट की परीक्षा कर दी है इस टेट की परीक्षा में हम लोग निकल नहीं पाएंगे और इस वजह से ज्यादा लोग अपने साइड में बैठे हुए मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है टेट का प्रबंधन किया जाएगा और आप लोगों को आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया था वो नौकरी आपको मिलेगी इसी तरीके से मैंने पता किया कितने सारे लोगों के भूमि आवंटन का काम हमने चालू कर दिया था आपको सबको मालूम है कि जब हमारी सरकार गई तो उस समय पट्टे देने का काम हम लोगों ने चालू कर दिया था और मैंने उनको भी कहा कि जो पात्र विस्थापित लोग हैं वो लोग आए भी हैं तो उनको भी पट्टे देने का हम लोग काम करेंगे कुछ काम चालू हो गया था परंतु जो काम ये सरकार आने के बाद वहीं के वहीं रुक गया और ये ओरन हजारों बीघा आज चराई के लिए खाली नहीं है आप अपने जानवर को वहां भेज नहीं सकते बड़ी बड़ी कंपनियों को ये ओरन दे दिए गए हजारों की संख्या में और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहां इनके घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा गया है कि गरीब किसान को हम एक बीघा दो बीघा वेस्टलैंड जमीन देंगे है कोई जिसको जमीन मिली किसी को मिली किसी को नहीं मिली ना जमीन मिली ना बिजली मिली ना पानी मिला तो क्या मिला क्या किया साढ़े चार साल के अंदर इसलिए भाइयों मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि आप तो बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो इसलिए तो महंगाई बढ़ रही है सरकार कहती है कि ये तो सब आपकी गलती है आप सबकी गलती है अगर आप कम खाना खाते अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते तो शायद हमारी इतनी महंगाई नहीं बढ़ती पूरी गलती आपकी है सरकार की कोई गलती नहीं है समझो आप ये कैसी सरकार है जो इस तरीके से कहती है और इसके बहुत मौजूद जिम्मेदार मंत्री चिदंबरम साहब इस तरीके की बात करते हैं तो कभी कभी जलन होती है कि उनको ये आके देखना चाहिए कि हमारे गरीब आदमी किस तरह से तड़प तड़प के अपना जीवन यापन कर रहे हैं हमने देखा है और मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि माता बहने जो बिजली की लाइन आपको घरेलू अलग से दी थी इसको 24 घंटे सरकार अपनी आएगी तो हम लोग 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे आप लोगों को घर के अंदर 24 घंटे बिजली मिलेगी इसी तरीके से सौर ऊर्जा का क्षेत्र है पूरी जगह से यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है और ये सब कंपनियों में जा रहा है ये भी सबसे पहले इसकी बिजली आप लोगों को मिलेगी उसके बाद ये बिजली बाहर जाएगी ये यहाँ की बिजली सीधे बाहर जाए ऐसी परिस्थिति हम लोग नहीं होने देंगे मैंने सब लोगों को ये कह दिया है कि ये महानरेगा के अंदर कुछ नौकरी आप लोगों को मिल रही है किसी को मिल रही है महानरेगा चल रहा है यहाँ मैं देखा 13,000 करोड़ रुपया खा गए हैं ये महानरेगा के नाम पे हमारे समय में हम लोगों को नौकरी देते थे 100 दिन की नौकरी देते थे उन लोगों को सही पैसा मिलता था हमारे समय में 26 लाख आदमी को नौकरी दी और 26 लाख आदमी ने मिलके राजस्थान को आगे पहुंचाने का काम किया कि 26 आदमियों ने जो 26 लाख आदमियों ने जो परिसंपत्तियां बनाई इन परिसंपत्तियों की वजह से राजस्थान आगे बढ़ा आज 1,25,000 से ज्यादा नौकरी किसी को नहीं मिल रही है और कोई ऐसी नौकरी नहीं है 100 दिन भी पूरे नहीं होते और आज महिला को यह कहा जा रहा है कि जिसने महिला ने काम पूरा किया है तो हम आपको 2 साड़ी देंगे किसी को मिली 2 साड़ी मिली किसी को 2 साड़ी आपको मिलेगी भी नहीं आप पैसा ले जाओ सब लोगों को कह दिया तो आपको पैसा ले जाओ पैसा अब 4 महीने बचे हैं आपको नौकरी देंगे नहीं आपने देखा होगा अखबार में इतने बड़े फ्रंट पेज के ऊपर ट्रेन की तस्वीर थी उसके ऊपर सब बच्चे और आदमी सब बैठे हुए जा रहे थे कहां जा रहे थे परीक्षा देने जा रहे थे 2000 पटवारी की पोस्ट निकली थी उस 2000 पटवारी की पोस्ट में 12 लाख लोगों ने आवेदन किया और 7.5 लाख ने जाके उसकी परीक्षा दी 350 LDC की पोस्ट सचिवालय के लिए उसमें 3 लाख लोगों ने अपने आवेदन भर के उसकी परीक्षा की यह स्थिति होनी नहीं चाहिए अगर बार बार हर साल हम बच्चों को नौकरी देते रहते तो ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती अब हमने अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया था गैर सरकारी और सरकारी और आज मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोगों को नौकरी दी यहाँ मैं पूछती हूँ तो यहाँ तो कोई नहीं है जिसको यहाँ नौकरी मिली है कहीं कहीं टीचर मिल जाते हैं हमको जो अपने समय के हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा समय काम करने को मिल रहा है वो आपकी वजह से परंतु नौकरियां नहीं मिली है किसी को और मैं ये देख रही थी अभी कि इन लोगों को दिया क्या है तो देखा कि बिजली के कनेक्शन जिनको मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे बताया इन्होंने कि हम करीबन 75,000 कृषि कनेक्शन देंगे
पचहत्तर हजार कृषि कनेक्शन में आज आपको 13,000 कृषि कनेक्शन दिया है, बताया कि 50 ग्राम को विद्युतीकरण करेंगे और आज 8 गांव सिर्फ 4.5 साल के अंदर 8 गांव को विद्युतीकृत किया है। ये कहा कि हम 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देंगे, 6,000 से ज्यादा लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। ये 4.5 साल क्या कर रहे थे, खाना पीना भ्रष्टाचार करना, इससे उनको समय नहीं मिला राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। और अब समय आ गया है तो आप लोगों के पास दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि भैया हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, हम सब तुम्हारा काम कर लेंगे, तुमको जो चाहिए हमें बता दो, हम वो तुमको दे देंगे। अगर तुमको साड़ी चाहिए तो पैसे ले जाओ, अगर तुमको लैपटॉप चाहिए तो पैसे ले जाओ, अगर साइकिल चाहिए तो पैसे ले जाओ, हर चीज के लिए पैसे ले जाओ, पर हमारा स्वाभिमान हमको कौन लौटाएगा, हमारी इज्जत हमको कौन वापस देगा, हम मांग रहे हमारी रोजगार, रोजगार हमको कौन देगा।